हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 2 यानी संवाद के बारे में पढ़े थे, और उस संवाद वाले चैप्टर में हमने देखा कि संवाद क्या है, है ना, वो कितने प्रकार के हैं, संवाद भारत में क्यों लाया गया, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, और इसके महत्व पर भी हमने चर्चा की थी। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम उस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे राज्य सूची, संघ सूची, समर्थित सूची क्या होती हैं, आपसी शक्तियाँ क्या, और विकेंद्रीकरण पर भी चर्चा करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दिख रहा है यहाँ पर आपको ना केंद्र सूची, यानी भारत के संघवाद के लक्ष्य में ना भारतीय संघवाद में यानी संघवाद प्रकार में शक्तियों का बंटवारा केंद्र, राज्य और संघ सूचियों में किया गया है, ताकि केंद्र और राज्य में शक्तियों को लेकर और किसी प्रकार का कोई द्वंद्व ना रहे, या किसी प्रकार का हम कहें कि शंका ना रहे कि मेरी शक्ति क्या है और मेरी शक्ति क्या है, यानी आपसी मनमुटाव को समाप्त करने के लिए हमने क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया है। और उसी विभाजन में पहले हम बात करते हैं केंद्र सूची की। केंद्र सूची मतलब ये होता है दोस्तों कि केंद्र सूची में दिए गए सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास है। तो याद रखना, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र से यानी का से आप केंद्र समझ सकते हैं, और केंद्र सूची सीधा ना केंद्र ही सरकार यानी कानून बनाने में सक्षम होती है। तो चलिए देखते हैं कि कितने विषय शामिल हैं। तो केंद्र सूची में कुल 100 विषय होते हैं, यानी केंद्र विषय जो होते हैं वो संपूर्ण देश से संबंधित, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे वो ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य में होंगे या केंद्र में ही लागू हो, नहीं, वो संपूर्ण भारत के लिए लागू होता है। क्योंकि आपको सब पता है कि हमारा संविधान का भाग, सॉरी अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत किसका है, राज्यों का संघ है, यानी राज्य भारत से अलग होने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो केंद्र ही कर्ता धर्ता की तरह से मान सकते हैं। तो इसमें विषय कौन कौन से होते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण रक्षा, वित्त मामले, विदेश नीति के मामले, बैंकिंग, डाक आदि जो विषय हैं वो किसके विषय में आते हैं, किसकी सूची में, केंद्र सूची में आते हैं, समझ गए ना। यानी केंद्र मतलब केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास। राज्य सूची, राज्य यानी राज्य सूची के अंतर्गत जितने विषय आते हैं उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। और राज्य इस समय राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, 66 विषय हैं। और इन विषयों में कुछ महत्वपूर्ण विषय अगर हम बात करें तो पुलिस यानी स्थानीय शासन बनाने का और कायम करने का अधिकार किसके पास होता है, राज्य सरकार यानी पुलिस व्यवस्था किसके पास है, राज्य सरकार के पास। कृषि संबंधी जितने भी नियम बनते हैं, और कृषि आप कह सकते हैं कि हालांकि जो MNSP होती है जिसे हम कहते हैं कि मिनिमम समर्थन मूल्य कह लीजिए या है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह लीजिए, वो कौन जारी करता है, केंद्र सरकार जारी करती है, लेकिन कृषि जो मूल्य विषय है वो किसके साथ होते हैं, राज्य सरकार के हाथों में होते हैं। सिंचाई राज्य सरकार के में होती है हाथों में। व्यापार संबंधी ये किसके हाथों में होता है दोस्तों, राज्य सरकार के संबंध में। यहाँ पर जो विदेशी नीति है, और यहाँ पर वित्त देख रहे हैं दोस्तों ना, वित्त मतलब बजट, किसका बजट, पूरे देश का बजट की बात हो रही है, और यहाँ पे व्यापार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यापार की बात की, तो यहाँ से कन्फ्यूजन मत करना कि वित्त यहाँ पर भी है और वित्त का दूसरा व्यापार, वित्त का मतलब होता है बजट मेरे दोस्तों, ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं है वित्त और व्यापार में, ठीक है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित होती है। इसमें क्या है, 52 विषय दिए गए हैं, और इन 52 विषयों में क्या है दोस्तों, वन, शिक्षा, ट्रेड यूनियन। तो समर्थिक मतलब क्या होता है, समर्थिक मतलब होता है कि ऐसी सूची ना जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपनी आवश्यकता के अनुसार नियम बनाने में क्या है, सक्षम है, परंतु कभी कभार राज्य और केंद्र में ना किसी बात को लेकर अड़ंगा पड़ जाता है या बहस छिड़ जाती है कि किसके कानून अच्छे होंगे, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के कानून को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और यही हमारी संघवाद की सबसे बड़ी विशेषता भी है कि सूचियों का बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि हमारा जो संघवाद है वो मजबूत केंद्र के साथ है,
तो केंद्र के पक्ष में सूचियां झुक जाती हैं, या एक तरह हम कह सकते हैं कि केंद्र का पलड़ा भारी हो जाता है। तो समझ गया ना दोस्तों, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, कभी डाउट तो नहीं होगा, भूलना ही मत, और डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसके विद्यार्थी हैं, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के। तो विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान कहलाता है, तो आप तो राजनीति विज्ञान के हैं। यहां पर दोस्तों मैंने एक सूची नहीं लिखी, उसे हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं, वो केंद्र के पक्ष में। अब आप बोल रहे हो सर जी आपने तो तीनों लिख दिया था, समर्थित सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, तो इसको छुपा क्यों दिया था। तो दोस्तों ये था छुपाने का मकसद, क्योंकि ये सूची जो थी वो हमारे संविधान निर्माण के समय नहीं थी, और संविधान निर्माण के समय ऐसी स्थिति भी नहीं थी किसी बनाया जाए, क्योंकि उस समय ना तो हमारे पास इंटरनेट की सुविधा थी और ना ही इंटरनेट संबंधी वो चीज़, यानी आप कह सकते हैं साइबर अटैक, साइबर हमला, बैंक से पैसे चोरी कर लेना। पहले चोर तो ताला तोड़ के चोरी करते थे, तब तो वो जमाना था नहीं। तो जैसे जमाना बदला, क्योंकि आपको पता ना कि हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कि हमारा संविधान आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, और उसी आवश्यकता के तहत हमने एक और अवशिष्ट शक्तियाँ कह दी, बना दी, और उस अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं, केंद्र के पास होती हैं। आप पूछेंगे सर इसमें तो कानून बताया आपने, ये शामिल होते हैं, तो इसमें भी शामिल है। इसमें आप कैसे कह सकते हैं, साइबर अटैक, साइबर हमला, आईटी संबंधी जितने भी काम होते हैं वो, और आतंकवाद संबंधी सभी चीज़ें कहाँ से शामिल होती हैं, अवशिष्ट शक्तियों में, क्योंकि केंद्र ही उससे लड़ने में सबसे सक्षम माना जाता है। राज्य तो नहीं हो पाते क्योंकि केंद्र मजबूत है। अब हम बात करते हैं ना विकेंद्रीकरण। दोस्तों विकेंद्रीकरण इस, मैं कहूँगा ना मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये। क्यों होगा? क्योंकि जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं और जिस लोकतंत्र में हम सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, और अपने लोकतंत्र होने यानी लोकतांत्रिक होने का दम भर रहे हैं, वो किस वजह से मजबूत होगा दोस्तों? तो मजबूत होगा वो विकेंद्रीकरण से, क्योंकि महात्मा गांधी भी कहते थे कि भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब भारत के लोकतंत्र में गाँव का प्रत्येक व्यक्ति क्या ले दोस्तों, भाग ले। और इसीलिए विकेंद्रीकरण यानी स्थानीय शासन को लोकतंत्र की जड़ कहा जाता है, या आप कह दीजिए ये हमारे लोकतंत्र का बेस है यानी बुनियाद है। जिस प्रकार हमारे मकान की दीवार, बिल्डिंग जितनी बड़ी खड़े अगर बुनियादी मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग ढह सकती है, इसलिए हमारे संविधान को मजबूती से पकड़े रखने में किसका काम है दोस्तों, विकेंद्रीकरण। अब चलिए बात करते हैं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है और इसे शामिल क्यों किया गया। तो दोस्तों ना भारत एक बहुत बड़ा देश है, और इस बहुत बड़े देश में ना कोई एक अकेला व्यक्ति शासन करने में क्या हो सकता है, अक्षम हो सकता है, इतना कैपेबल नहीं हो सकता कि पूरे संपूर्ण देश में अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा राज्यों में, अगर फॉर एग्जाम्पल यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे बड़े स्टेट अपने राज्यों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए अकेला भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अगर हम संसदीय शासन प्रणाली हैं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हैं, अध्यक्ष हो जाते तो राष्ट्रपति होता, तो सोचिए इतना, यानी जिस देश की सीमा यहाँ से यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैली हो, वहाँ पर कैसे एक व्यक्ति शासन कर सकता है? और विकेंद्रीकरण तो बहुत अच्छा शासन है, यानी शासन का बंटवारा करना। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने या हमारे राजनीतिक लोगों ने 1992 में, याद रखना 1992 में 73वां और 74वां संशोधन किया, लेकिन हम दोस्तों से पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन, 74वां 11वीं क्लास में आओगे तब पढ़ोगे आप। तो 73वें संविधान संशोधन यानी 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत को पहली यानी भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। परंतु यहाँ पर एक छोटा सा पेच ये भी है दोस्तों कि इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। यहाँ यानी 1992 के 73वें संविधान संशोधन से ना हमारे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी इसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन उससे पहले 1957 पंचायती राज की व्यवस्था की जा चुकी थी, कहाँ पर? राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान, मारो गांव यार मारो देश होता ना, जैसे देखते आप पधारो मारे देश, राजस्थान, ठीक है ना। तो वहाँ क्या हुआ था दोस्तों,
वहां पर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी कब, 1957 में। कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में। कहां पर? नागौर जिले में। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हो चुकी थी कब, 1957 में। तो आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, तो 1957 कहां पर, राजस्थान के नागौर जिले में। और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1992 के 73वें संविधान संशोधन में। प्रश्न बनेगा कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब की गई, तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। ठीक है, समिति तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन मैं आपको समिति बता देता हूँ कि किस समिति के माध्यम से भारत में पंचायती राज या स्थानीय शासन की शुरुआत की गई थी। तो उनका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। क्या दोस्तों, क्या है तो याद करते चलते दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोग IAS बनना चाहते होंगे, बहुत से लोग PCS की तैयारी करना चाहते होंगे, तो वो सब चीज़ें आती रहेंगी। यानी बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से, यानी बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था शुरुआत। किसकी? तीन स्तरों वाली। कैसे तीन स्तरों वाली? गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जिले में जिला परिषद। तीन पंचायत समिति, तीन भागों में बांटा गया हमारे को। तो याद तो समझ गया ना, विकेंद्रीकरण क्या है कि शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय संविधान द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जिसमें भारत के गांव स्तर के लोग भी शामिल हो सके। और ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण प्रक्रिया समझ गया आप, शुरुआत क्यों की गई, डाइवर्सिटी है, इतना विशाल देश है, इसी शासन, क्योंकि ना स्थानीय शासन, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे एक गाँव है, यहाँ हम रहते हैं, दिल्ली है, यहाँ आपके प्रधानमंत्री रहते हैं, आपके आपके गांव उड़ीसा के बहुत दूर इलाकों में, तो वहाँ हमारे बैठे प्रधानमंत्री आपकी सुध कैसे लेंगे, नहीं ले सकते ना। तो आप तो प्रधानमंत्री शिकायत करोगे, प्रधानमंत्री काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। इसीलिए आप प्रधानमंत्री की शिकायत ना करो, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आपके गांव में ही एक छोटे लोकतंत्र की स्थापना कर दी, जिसे हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। क्योंकि गाँव के बारे में सबसे अच्छा कौन जानेगा, आप। और इस विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में भाग कौन लेंगे, आप, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। यानी गांव का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है वो पंचायती राज के क्या होता है, सदस्य होता है। और यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत की पंचायती राज व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया या विकेंद्रीकरण में क्या परिवर्तन आया। तो दोस्तों, विकेंद्रीकरण यानी 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज में क्या परिवर्तन आया, सबसे पहले कि पंचायती राज में 33% सीटें महिलाओं के लिए क्या कर दी गई हैं, आरक्षित कर दी गई, सबसे बड़ा बदलाव। और ये महिलाओं को लोकतंत्र में भागीदारी को क्या करता है, मजबूत करता है। इस विकेंद्रीकरण को और मजबूत करने के लिए भारत के संविधान द्वारा, भारत के संसद द्वारा क्या कर दिया गया है, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कर दी गई है। और राज्य चुनाव आयोग नियुक्ति क्या करती है कि पंचायती चुनाव कितने सालों में, प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत के चुनाव होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए किसके बाद, 73वें संविधान संशोधन यानी 1992 के बाद। दोस्तों, विकेंद्रीकरण समझ गए, पंचायत में क्या बदलाव है 73वें संविधान संशोधन के बाद, है ना। विकेंद्रीकरण की शुरुआत कहाँ की गई, किस समिति के माध्यम से की गई, और लगातार देखते रहेंगे कि विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, इसको फैला दीजिए ताकि कोई भी ज्ञान से अछूता, यानी अचूक ना रहे, अछूता ना रहे। धन्यवाद।